अस्सलामुअलैकुम। आज हम लाए हैं एक ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई की रेसिपी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी हर रेसिपी में एक न्यू टच ज़रूर होता है, तो आज हम ऐसी ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाने वाले हैं आपके लिए। तो हम शुरू करते हैं। एक पैन में हमने चूल्हे पे रख दिया है, लो फ्लेम पे, और उस पर हमने डाला है 1 कप ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब ये हो गया है गर्म। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें डाला है, हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे चिकन, जो तकरीबन 1 किलो है। हम इसमें डाल के इसे हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे हम। थोड़ा टाइम लगेगा, इसका पानी निकलेगा। इसी में लहसुन अदरक के पेस्ट में हम इसे फ्राई करेंगे, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हल्की हल्की फ्राई होगी। ये हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े, हम आपके लिए और नई नई वीडियोस लेकर आएं। हमने चिकन को पहले अच्छे से धो लिया था। चिकन वगैरह को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धो लिया करें। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उनको शेयर किया कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये वीडियोस हमारी कैसी लग रही हैं। हमारे चैनल पे जाएं, हम खाने की रेसिपी के अलावा भी और रेसिपीज शेयर करते हैं। आप देखें, हमारे चैनल को सर्च करें, देखें, मिक्स प्लेट का चैनल के नाम से हमारा चैनल है, इसे सर्च करें और देखें, हमें बताएं कि हमारी वीडियोस कैसी हैं और आपको कैसी लग रही हैं, और आप किस तरह की वीडियोस हमारी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसमें हमने 2 टेबल स्पून के करीब लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 कप ऑयल लिया था। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमने अच्छे से भून लिया है, लेकिन इसका पानी खुश्क हो चुका है, लहसुन अदरक का पानी भी नज़र नहीं आ रहा, और चिकन का पानी भी ड्राई हो चुका है। इसे थोड़ा और फ्राई करेंगे, ज़रा सा, बस ये जलने ना पाए, हल्का हल्का फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे ऑयल में से। बस अब हम इसे निकाल लेंगे, हल्का सा फ्राई हो गया है चिकन, अब हम इसे निकाल लेंगे इसमें से। हमने इसमें चिकन फ्राई करके निकाल ली है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आप कुटी हुई मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून चाट मसाला। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाला जो हमने डाला था इसमें पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो पेस्ट। तकरीबन 1 किलो चिकन लिए है हमने, और 1 किलो ही टमाटर का पेस्ट लिया है, और इस ये हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ हमने इसमें 1 किलो चिकन लिया और 1 किलो ही तकरीबन टमाटर लिए हैं। टमाटर के साथ हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज भी इसके साथ ग्राइंड करे हैं, और 4 अदद मिर्चें वो भी हमने इसी के साथ ग्राइंड कर ली हैं। इसकी बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार होने वाली है, बहुत मसालेदार तैयार होगा ये चिकन कढ़ाई, जिसमें सिर्फ चिकन ही नहीं होगा, मसाला भी खूब मज़ेदार इसके साथ होगा। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे, अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाए, इसका पानी खुशक करें ज़रा सा, और इसे अच्छे तरीके से पकाएं। बिस्मिल्लाह, देखें ये अच्छी खासी
भुननी शुरू हो गई, भुन गया है हमारा मसाला, अच्छी खासी करी बन गई है। इसे हमने 15 से 20 मिनट पकाया है और हमने इसे बार बार देखते रहे हैं, मुस्तकिल चमचा चलाते रहे हैं, इसे ऐसे नहीं छोड़ना। इसमें टमाटर और प्याज ग्राइंड करके डालने का मकसद ये है कि इसका अच्छे से मसाला बन जाए, क्योंकि चिकन कढ़ाई में इसकी टमाटर और प्याज बारीक कट करने के डालने से भी अच्छे से भुनाई नहीं होती, बहुत मुश्किल हो जाती है। अक्सर कुछ लोगों से कढ़ाई ऐसी बनती है जिसमें कढ़ाई बनने के बाद टमाटर प्याज ऐसे ही नज़र आ रहे होते हैं, जो ज़रा भी खूबसूरत नहीं लगते, कढ़ाई की खूबसूरती नहीं आती इसमें। इसीलिए हमने इसमें पेस्ट बना के डाला है। बीफ या मटन में तो आप यदि साबुत बारीक काट के टमाटर डाल सकते हैं, प्याज वगैरह उसके साथ गल जाता है गोश्त के साथ, मगर चिकन के लिए ये मसला बहुत होता है। उसमें भी अगर आप ग्राइंड करके डाल दें तो बहुत ईजी होगा, यही मेथड आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छे से भुनना शुरू हो गया है, इसे अच्छे से भूनिए, ड्राई होना शुरू हो गया है, बस इसे चमचा चलाते रहना है कि ये नीचे लगने ना पाए। इसे हम 2-4 मिनट और भूनेंगे और इसके साथ ही हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसे दम पे रख देंगे, चिकन हमारी पहली ही फ्राई है, ज़्यादा वक्त नहीं लेगी तैयार होने में, बस हमें इसका मसाला तैयार करना है, चिकन ऐड करनी है। इस मौके पर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, उसे अच्छे से मिलाएंगे। 1-2 मिनट और हो चुके हैं हमें इसे भूनते हुए, पानी इसका अच्छा खासा खुश्क हो चुका है और अच्छे से मसाला बनता जा रहा है। देखें अब हम इसमें चिकन जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हमने चिकन को इसमें डाल दिया है, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो उसके साथ खुश्क हो जाए और चिकन भी दम पे आ जाए। ये अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसे इस मौके पे इसमें 2 ड्रॉप्स केवड़े के डालेंगे, जिससे इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा, अच्छे से खुशबू आएगी। इसे अच्छे से मैंने चमचा भी चेंज कर लिया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चिकन अलट पलट करने में बाजू बार टूट जाती है। इसे अच्छे से मिक्स करें, इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/2 लेमन, जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से डाल लें, उसके बाद हम इसमें डालेंगे गार्निशिंग के लिए बारीक कटी हुई अदरक, हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें। ये खाने के लिए रेडी है। यम्मी सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तंदूरी नान के साथ सर्व करें, खाएं, मेहमानों के आगे सर्व करें, खुद खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, एक बार ट्राई करके देखें, बहुत ही जायकेदार और यम्मी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आप एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।